जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। अभी तक बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति में मैंने आपको सिखाया था डेसिमल नंबर को द्विआधारी में कैसे बदलते हैं, द्विआधारी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, लेकिन आज मैं सिखाने वाला हूँ द्विआधारी पद्धति का जोड़ घटाव, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। खुद भी सीखे और दोस्तों को बताइएगा। बहुत बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया और आगे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है, सीख लीजिए। द्विआधारी पद्धति में जोड़ घटाव। अब बोलिया कि सर बच्चा के तरह आप जोड़ घटाव हमको सिखाने आए हैं। देखिए कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग है, देखिए कितना मजा आएगा। आप देखिए, हम सभी जानते हैं कि द्विआधारी पद्धति में केवल और केवल जीरो और एक का प्रयोग होता है, यही दो सिंबल से द्विआधारी पद्धति बना हुआ है, जबकि डेसिमल दस सिंबल से बना हुआ है, जीरो से लेकर नौ तक, उसी को दशमलव पद्धति कहते हैं, जो गुप्त काल में जिसका आविष्कार हुआ था आर्यभट्ट के समय में, जिसका प्रयोग हम सभी पूरा दुनिया भी कर रहा है, लाखों अरबों करोड़ों जो भी बनता है इसी दशमलव नंबर से, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं द्विआधारी पद्धति, जिसका प्रयोग डाटा की गणना में होता है। तो इसका जोड़ घटाव हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग सीखते हैं जोड़ करना, कि इसको ऐड कैसे करें। बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि जोड़ करके भी इसी रूप में लिखना है। तब बोलिया कि सर एक चीज आपको हम बताए थे, दोबारा बताते हैं कि डेसिमल में यदि कोई नंबर जीरो है तो द्विआधारी में भी जीरो होगा, इसको याद रखिए, फायदा करेगा। डेसिमल में कोई नंबर एक है तो द्विआधारी में भी एक ही होगा, डेसिमल में कोई नंबर दो है तो द्विआधारी में दस होगा। बोलिए कैसे, तो आप निकाल सकते हैं, दो से भागा दीजिए, दो इकाई दो बच गया शेष जीरो, तो एक का जीरो लिखेगा दस ना होगा, आपको सिखाए थे ना। तीन है डेसिमल में तो द्विआधारी में ग्यारह होगा, चार है डेसिमल में तो द्विआधारी में सौ होगा, इतना याद रखिए। आपको उस समय भी बताए थे कि इसको याद रखिएगा, तो डेसिमल को द्विआधारी में बदलना आसान होगा, साथ ही साथ जोड़ घटाव बनाना आसान होगा। देखिए कितना आसान है, एक एक दो और एक तीन, बचपन में हम सभी अभी भी बच्चों को सिखाते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग करता है पढ़ना, उसको सिखाते हैं ऐसा जोड़ घटाव, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखिए। एक एक दो और एक तीन, अब यहाँ पे तीन लिख दीजिए तो गलत होगा, क्योंकि जीरो और एक एक का प्रयोग करना है। तो बोलिए सर तीन तो नहीं लिखेंगे, एक एक दो और एक तीन हुआ तो तीन मने ग्यारह होता है, समझिएगा जरा, जोड़ भी बता रहे हैं, घटाव इसका उल्टा होगा। एक एक दो एक तीन, तीन मने ग्यारह, तो ग्यारह के एक बचा, एक बचा एक, अब वो एक इसमें जुटेगा, एक जीरो एक का एक दो, आई वाला जीरो मिला के दो, दो नहीं लिख सकते आप, दो मतलब होता है दस, तब बोलिए सर दस के जीरो बचा कितना एक, अब एक एक दो एक तीन और एक चार कितना हुआ चार, एक बाकी है यह वाला, एक दो तीन तो चार, चार मतलब क्या होता है सौ, चार मतलब सौ, तो सौ के एगो जीरो देंगे बच जाएगा दस। अब उस दस को दस एक ग्यारह नहीं बना सकते आप जोड़, उदास दो हुआ, उदास कितना हुआ दो, अब जब इसमें ऐड करना है तो उसको उल्टा सोचिए, दस कितना हुआ दो, आ दो आ एक तीन एक चार, आ फिर जीरो चार, चार मतलब फिर सौ, चार मतलब कितना होता है सौ, सौ के जीरो बचा फिर दस, अब दस को दो बना के सोचिए, दो को दस, देखिए ना दो दस है तो दस भी दो होगा, अब दो आगे वाला में जुटेगा तो बोले सर दो एक तीन, तीन एक चार, चार एक पाँच, अब पाँच क्या लिखे सर, तो चलो एक यहाँ पाँच आ गया तो पाँच बराबर एक सौ एक होता है, नहीं तो आप भाग दे के निकाल सकते हैं उसको डेसिमल में, तो बोले सर एक सौ एक, तो एक सौ एक के एक बचा कितना है, एक सौ एक के एक लिखे तो कितना बचेगा दस, दस को फिर दो बना के सोचेंगे, दो एगो एक क्योंकि जीरो तो जोड़िए चाहे नहीं, तीन तीन एक चार, चार माने सौ, चार मतलब सौ के जीरो बचा दस, दस माने दो आई वाला एक, तीन तीन माने ग्यारह, यही आपका जोड़ के आएगा। कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा माइंड इधर उधर घुमा होगा लेकिन फिर से सीख जाइएगा, ढेर सारा है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैंने आपको डेसिमल में बदलना सिखाया, एक दो दिन चार, चार दून आठ, आठ दून सोलह, सोलह दून बत्तीस, बत्तीस दून चौंसठ, जीरो जीरो काट दीजिए, बाकी को जोड़िए, तीनों को डेसिमल में बदलिए जोड़िए, इसको भी डेसिमल में बदलिए जोड़िए, सेम आएगा, मतलब इतना के बराबर ही तीनों आएगा, चेक करने का, बाकी तो जोड़ने का भी इतना है, आराम से और सीख जाएंगे। देखिए एक एक दो एक तीन, तीन माने तो तीन माने ग्यारह के एक बचा कितना एक, अब एक आई वाला एक दो आ जीरो, दो आ एक तीन, तीन मतलब ग्यारह के एक बचा एक, एक आ जीरो एक आ एक दो आ जीरो, दो दो माने दस, दो माने दस के जीरो बचा कितना एक, एक एक दो आ जीरो आ एक तीन, तीन मतलब ग्यारह, ग्यारह के एक बचा कितना एक, एक एक दो एक तीन एक चार, चार मतलब सौ, सौ के जीरो बचा कितना दस, दस को क्या बोलेंगे दो, दो एक तीन और एक चार, चार मतलब सौ, यही हो गया आपका जोड़ के, ही तीनों को जोड़ के यही आंसर होगा, यही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अब देखिए एगो
समझने में थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया, तो बच्चा लोग करता क्या है, बोर हो गया, हमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लास्ट तक देखते रहेगा, पूरा माइंड में घुस जाएगा। अब ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है, इतना प्लस इतना। अभी नीचे वाला दू से मतलब कोई नहीं है, ये दू सिर्फ ये दर्शा रहा है कि द्विआधारी हो सकता है, नहीं लिख रहा है द्विआधारी, सिर्फ ऐसी दे के भाट दिया रहे। तो आपको समझना पड़ेगा इसका आधार दो है तो ये द्विआधारी है, नहीं तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये हो जाएगा 1,10,101, मतलब कि 1,10,101 हो जाएगा। ऐसे भी कायदा है, 1,10,000, 1,00,000, 1,00,000, ये लाख में हो जाएगा, ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं। लेकिन द्विआधारी है तो इसका वैल्यू एक है। अब जोड़ते हैं, ऐसे ही जोड़ते हैं, एक का एक दो, दो मतलब 10 के 0, बचा कितना, एक, ये 0 और एक एक और एक बक या दो, दो मतलब 10 के 0 बचा एक, एक आई वाला 0 जोड़ेंगे तो 0 1 2, मतलब कि एक बच रहा था ना, 0 जोड़े तो एक आई एक दो, दो मतलब फिर 10 के 0 बचा एक, एक आई वाला 0 आई वाला 0 तो एक ही ना होगा, तो एक लिख देते हैं, फिर एक आई एक दो, दो मतलब 10 के 0 बचा कितना, एक, फिर एक आई एक बाकिया 2 और 0, दो मतलब 10 के 0 बचा कितना, एक, एक बाकिया आई वाला 1, 2 आई 1 3, 3 मतलब 11, ये दोनों को जोड़ के यही आएगा। क्लियर है, आप पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ त्रुटि है तो देखिए ट्रिपल वाला फिर आ गया। एक ही लाइन में इसको जोड़ते हैं, एक पूछा गया क्वेश्चन है, एक एक दो एक तीन, तीन मतलब 11 के एक बचा एक, एक बाकी आई वाला 1, 2, 2 1 3 और 0, तीन मतलब 11 के एक बचा एक, एक आई 0 1, एक दो एक तीन, तीन मतलब 11 के एक बचा एक, एक आई वाला 1, 2, 2 1 3 उधर तो है नहीं, तीन मतलब 11 के एक बचा एक, एक आई वाला 1, 2 अब इधर तो कुछ नहीं है तो 2 = 10, यही होगा इसका योगफल। आप तो सीख गए होंगे ना, चार को बताएं कोई भी सीख जाएगा भाई, आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चारों को नोट्स करके फिर से एक दो बार बना लेना, क्लियर हुआ। ये तो मैंने आपको सिखाया जोड़, क्या सिखाया, जोड़। अब मैं आपको सिखाता हूं घटाओ, तो आइए अब सीख लेते हैं हम लोग इसका घटाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जोड़ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए आसानी से एकदम घटाना है तो सभी जानते हैं, इस प्रकार से तो बच्चा को भी घटाओ देते हैं। अब एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या 0 में से एक घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब 0 इसको टच करेगा कि भाई कुछ पैसा दो, हम कंगाल हैं, देना है हमको। तो ये बोला हम तो अपने कंगाल हैं, हम तुमको कहाँ से दें। तो नंबर का नियम है, कहियो 0 रहे नहीं रहे तो बगल वाला से ले के देगा, आदमी नहीं है कि हयो है तयो मना कर देगा। तो ये क्या किया, इससे मांगा, इससे मांगा, तो ये सोचा कि चलो दे देते हैं तुमको अभी फिलहाल। तो ये एक था, इसको एक दे दिया, तो सुनना एक दे दिया तो कितना बन जाता, 10, कितना 10, समझिएगा एकदम, यहीं पे मेन पॉइंट है, नहीं तो इधर उधर दिमाग हुआ समझ में नहीं आएगा। एक में से एक गया 0 तो आराम से लिख दिए, 0 में से एक नहीं घटेगा, इससे मांगा, इससे मांगा, इसके पास एक था, ये एक इसको दे दिया, तो ये एक इसको दे दिया, तो ये तो बेचारा सुनना हो गया, याद रखिएगा, लेकिन ये 10 बन गया। अब आप सोच रहे हैं कि 10 में से एक इसको दे दे, अभी 9 बच जाए, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 9 के तो यहाँ पर नामो निशान नहीं होना चाहिए। जैसी ही एक इसको दिया तो ये 10 बन गया, तब उसको 2 पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, 2, द्विआधारी में 10 मतलब क्या होता है, 2, 2 को 10 तो 10 को 2, 2 को 10 पढ़ें तो 10 को 2, तो समझिए कि 2 हो गया। 2 में से एक इसको दिया, एक अपने पास रखा, तो ये 10 हो गया, 10 मतलब 2, 2 में से एक घटा एक, आई एक बच रहा है। फिर से समझिए, एक में से, पहला समझने में जो भी दिक्कत हुआ है, एक में से एक घटेगा 0, 0 में से एक नहीं घटेगा, इससे पैसा मांगा, इससे मांगा, इसके पास एक था, ही बेचारा इसको दे दिया, लेकिन ये 10 बन गया, 10 मतलब 2 होता है तब ही इसको पैसा देगा। ऐसा नहीं कि 10 में से एक देके अपने 9 बच जाएगा, 9 का तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा। 10 मतलब 2, 2 में से एक इसको दिया तो ये बन गया 10, आई है 2, लेकिन 10 एक है, 10 मतलब ये भी 2 हो गया, क्योंकि 10 में से एक घटा के 9 थोड़ी ना आप लिख सकते हैं, 9 का प्रयोग ही नहीं होगा, 0 और 1 का ना प्रयोग होगा। तो ये 10 मतलब 2, 2 में से एक गया 1, अभी एक बच रहा है क्योंकि 2 में से एक दिया था, एक में से एक घटेगा 0, ये 0 बच रहा है क्योंकि इसको दे दिया था, 0 में से 0 घटेगा 0, ये एक बच रहा है, एक में से 0 घटेगा 1, एक में से एक घटेगा 0, आई अंतिम में बच जाएगा 1, यही आपका आंसर हुआ। क्या मजेदार है, समझ में आया होगा ना, फिर से आइए, 0 में से एक नहीं घटेगा, इससे मांगा, इससे मांगा, इसके पास बेचारा पास था, ये इसको दे दिया, तो ये हो गया 10, 10 मतलब 2, जैसे 10 आया तो सोचिए 2,
अब दो में से एक इसको दे दिया, एक अपने बच रहा है, चूंकि दो में से एक दिया तो एक बचेगा ना। अभी हो गया दो, दो में से एक इसको दिया, एक अपने बच रहा था, ये दस हुआ, दस मतलब दो, दो में से एक घटेगा एक, ये एक बच रहा है, एक में से एक घटेगा जीरो, एक में से एक घटेगा जीरो, यो एक बच रहा है, एक में से एक घटेगा जीरो, लेकिन ये जीरो बच रहा है क्योंकि एक दे दिया था ही पैसा, जीरो में जीरो बचेगा घटेगा जीरो, ये अब जीरो बच रहा है, तो जीरो में से एक घटेगा नहीं, तो ये फिर इससे पैसा मांगा, तो ये दस, दस मतलब दो, दो में से एक घटा एक, ये जीरो बन गया क्योंकि इसको ही पैसा दे दिया था, जीरो में जीरो घटेगा जीरो और एक में से एक घटेगा जीरो। हालांकि ये दोनों जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं भी लिखिएगा, ऑप्शन में ऐसे दे रहेगा क्योंकि लेफ्ट में जीरो कोई सिस्टम रहे उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे ही कट जाएगा। तो मेन आंसर हम लोग का ये हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए ऐसे करके दिया रहता है, इससे ही पता चल रहा है कि द्विआधारी है, इतना बड़ा और फट। तो बोले सर जैसे ही सिंपल वे में एक लाइन में घटाते हैं, एक में से एक घटेगा जीरो, जीरो जीरो में से एक नहीं घटेगा, तो इसको पैचा दिया, तो ये दस, दस मतलब दो, दो में से एक घटेगा एक, अभी जीरो हो गया था, तो जीरो में से जीरो घटेगा जीरो। फिर आइए ये कितना हो गया, तो बोले सर ये तो एक ही है ना, तो एक में से जीरो घटेगा एक, फिर एक में से एक घटेगा जीरो, आई वाला एक एक्स्ट्रा एक बच गया, यही हम लोग के घटा के आंसर होगा, क्लियर है। तो आपने देखा, समय तो आपने दिया लेकिन देखा कि आप जोड़ घटाव सीख चुके हैं, तो बाइनरी सिस्टम का जोड़ घटाव कोई पूछे तो आप उसको जरूर बताइए एक दो बार, ताकि आपको भी पूरा पूरी याद हो जाए, और एग्जाम में यदि गलती से पूछ दिया तो निश्चित रूप से आप आंसर मार के आइएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक नंबर आ जाए तो बहुत फायदा होगा, सिलेक्शन भी होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।